हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, स्टार प्लस के फेमस सीरियल अनुपमा के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दरअसल सीरियल अनुपमा से जुड़ी हम इतनी इंटरेस्टिंग अपडेट लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप भी हो जाएंगे हैरान। अनुपमा ने किया है यहाँ पे मिराकल और सागर की लाइफ कर दी है सेट। अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, सागर और मीनू की शादी करा दी है अनुपमा और अनुज ने मिलकर, क्योंकि अनुपमा का यह लक्ष्य है कि वो दो चाहने वालों को कभी जुदा नहीं करेगी। यहाँ पे मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ सागर और मीनू एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि वनराज क्या करने वाला है, क्योंकि वनराज तो इस शादी के खिलाफ है। अब यहाँ पे वनराज हो गया है बहुत ज़्यादा गुस्सा और उसने अनुपमा को दी है धमकी कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के लाइफ से दूर रहो। अब यहाँ पे शादी तो हो गई, अब जैसे वनराज को पता चलता है इस बात की सच्चाई तो वनराज पुलिस लेकर आता है। लेकिन पुलिस लेकर आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब शादी संपन्न हो चुकी है। वनराज जैसे ही पुलिस लेकर आता है तो यहाँ पे मीनू और सागर दोनों रहते हैं, तो वनराज कहता है गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को और साथ में अनुपमा और अनुज को भी, क्योंकि इन्होंने हमारे बच्चे को बरगलाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे अब मीनू कहती है कि मैं बलि हूँ, अपने सारे फैसले खुद ले सकती हूँ। मुझे शादी करने के लिए नहीं मामी और नहीं अनुज अंकल ने दबाव बनाया, बल्कि मैंने खुद से शादी की है। मैं सागर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हम दोनों सागर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मेरे मामा जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा रहे थे और ये बात मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसलिए मैंने घर वालों से चुपके से मैंने सागर से शादी कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही वनराज ये सारी बातें सुनता है, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है और बोलता है, मीनू तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा सिला दिया मुझे, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक काबिल डॉक्टर बनाया, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब यहाँ पे मीनू कहती है कि मामा, उस सब चीज़ों के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ से जुड़े फैसले खुद लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये शादी खुद किया है। अब मैं सागर के साथ बहुत खुश रहूँगी। लेकिन यहाँ पे वनराज चुप नहीं बैठने वाला है। आपको क्या लगता है?